पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राजनिवास पैलेस में मनाई अंबेडकर जयंती। धौलपुर की प्रमुख खबर। धौलपुर की महारानी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने आज अपने राजनिवास पैलेस निवास स्थान पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई। उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। इस अवसर पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से पूर्व मुख्यमंत्री ने सीधा संवाद किया और हालचाल जाने। इस अवसर पर महारानी समर्थक भारतीय जनता पार्टी के अनेक वरिष्ठ पुराने कार्यकर्ता मौजूद रहे। 5 मिनट के लिए बैठ जाओ, अपन ये कार्यक्रम पहले कर ले, फिर उसके बाद मिलते हैं। आज का जो कार्यक्रम है अंबेडकर जयंती का कार्यक्रम, इसमें संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर, जिन्होंने देश में कमजोर वर्ग के लिए जीवन भर संघर्ष करके एक ऐसे शख्सियत के रूप में उभर के आए कि आज सालों सालों से पहले भी और आज उनकी 131वीं जयंती है और उन्हें हम सब की ओर से, मैंने तो अभी माला पहनाकर सब मैं कोटि कोटि नमन करती भी हूँ और साथ में मेरा आग्रह है कि मैं नीचे उतर माला फूल लेके अपन जो भी लाए हैं। बाबा साहेब अंबेडकर के जीवनी से हमें सबक लेना चाहिए। खुशबू सिंह, धौलपुर की प्रमुख खबर। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में आज जिरोली फाटक स्थित अंबेडकर पार्क से सभापति खुशबू सिंह ने झंडी दिखाकर प्रभात फेरी को रवाना किया। खुशबू सिंह ने कहा कि बाबा साहब ने महिलाओं और कमजोर तबके के लिए सम्मानित जीवन जीने का रास्ता दिखाया। सभापति सिंह ने कहा कि संविधान की रचना की जिसके तहत सबको समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर प्रावधान किए। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब के त्याग को कोई भुला नहीं सकता। उन्होंने हिंदू कोड बिल पास नहीं होने पर कानून मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया था। इसके पश्चात प्रभात फेरी जिरोली फाटक से रवाना होकर आरएसी लाइन, गडरपुरा, महाणा स्कूल, फव्वारा चौराहा, दशहरा रोड, जगन चौराहे, हरदेव नगर, कोतवाली अस्पताल, पुराने शहर, टाउन चौकी, महात्मा नंद की बगीची होते हुए अंबेडकर भवन सागरपाड़ा पर सभा के रूप में तब्दील हो गई। इससे पूर्व शहर भर में युवा पैदल एवं मोटरसाइकिलों से निकले, जिनके हाथों में झंडे एवं बाबा साहेब के नारे लगाते हुए निकले। वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा की माकूल व्यवस्था कर रखी थी। इस मौके पर भगवान सिंह सागर, प्रवीण भास्कर, नरेंद्र कुमार, रमेश चंद साहू, रतन सिंह, रामनाथ मेहरा, ब्रजराज सिंह, मांगीलाल भूतिया, पप्पू सोनी, विनोद कंचन, किरोड़ी लाल, भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष विक्रम सिंह, रमेश चंद साहू आदि मौजूद रहे। धौलपुर से अफाक अहमद की रिपोर्ट। अवैध देशी शराब के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार, कंचनपुर की प्रमुख खबर। जिला पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बचन सिंह, डिप्टी एसपी विजय कुमार सिंह के निकटतम सुपरविजन में संपूर्ण जिले में अवैध शराब के खिलाफ जोरदार अभियान चलाया हुआ है, जिसके अंतर्गत गत दिवस मुखबिर की सूचना पर थाना कंचनपुर के एएसआई बलकेश्वर दत्त शर्मा ने नोहरा मोड़ से राजू पुत्र हीरा सिंह ठाकुर, निवासी नोहरा, थाना कंचनपुर को 58 अवैध देशी शराब के ही रांझा ले जाते हुए नेहरा मोड़ के पास से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने वाली टीम में बलकेश्वर दत्त शर्मा एएसआई के साथ विश्वेंद्र सिंह, उमेश कुमार कांस्टेबल शामिल रहे। हर्षोल्लास से मनाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती, सैंपाऊ बसई नवाब की प्रमुख खबर। बसई नवाब कस्बे के अंबेडकर पार्क में आज बाबा साहेब की जयंती पर समारोह आयोजित किया गया। अतिथियों सहित अनेक लोगों ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माला पहनाकर पुष्प अर्पित करते हुए उनको याद किया। इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नायब तहसीलदार राकेश गिरी ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने न सिर्फ देश के संविधान को बनाया बल्कि समरसता के उस भाव को भी आगे बढ़ाया है जो भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। मुख्य अतिथि सरपंच बंटी सोनी ने कहा कि आज हम सबको बाबा साहेब के आदर्शों तथा उनके द्वारा बताए मार्गों पर चलने की जरूरत है। अंबेडकर ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने देश की अखंडता एवं एकता के लिए सतत प्रयास किया। उन्होंने ऐसे संविधान का निर्माण किया जिसमें से सभी वर्गों को समानता का भाव मिले। विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व सरपंच रामविलास, बसई नवाब चौकी प्रभारी राजवीर मीना, सखवारा चौकी प्रभारी सत्यप्रकाश शर्मा मौजूद रहे तथा कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर हरिओम जाटव के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में बोनाराम, रिंकू, संजय, शिवदत्त,
अचल सिंह, नेक राम, योगेश सहित अनेक लोग मौजूद रहे। सैपो से रजनीकांत शर्मा की रिपोर्ट। गांधी कंप्यूटर सेंटर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, पड़ोसियों के सहयोग से पाया काबू। बड़ी की प्रमुख खबर। हॉस्पिटल के निकटतम व्यसदम बाजार स्थित कंप्यूटर सेंटर पर लगी आग अचानक हाई वोल्टेज होना बताया जा रहा है। आग का कारण जिस वजह से एसी के पाइप में ब्लास्ट हुआ बताया गया है। सेंटर पर उपलब्ध हायर सिलेंडर ने आग की तीव्रता को किया नाकाम तथा संचालक की सतर्कता व सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से टल गया। सूचना पर मौके पर पहुंची नगर पालिका की दमकल ने पूरी तरह पाया आग पर काबू। सामान्य चिकित्सालय के पास महात्मा गांधी कंप्यूटर सेंटर में आज दोपहर की है ये घटना। धूमधाम से निकाली गई महावीर भगवान की रथ यात्रा, राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। कस्बा में आज भगवान महावीर के जन्म उत्सव पर उनकी जयंती शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली गई। भगवान महावीर की प्रतिमा को रथ में सवार कर बैंड बाजों के साथ धूमधाम से शोभा यात्रा राजाखेड़ा तहसील से शुरू होकर के जैन धर्मशाला तक पहुंची, जहां श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखा गया एवं रथ यात्रा के साथ साथ आगे पीछे पुलिस के जवान भी चल रहे थे, जो शांति व्यवस्था को कायम रखे हुए थे। राजाखेड़ा से बुद्धि सिंह उदयनिया की रिपोर्ट। हनुमान जयंती महोत्सव कमेटी की थाना परिसर में बैठक आयोजित, राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। हनुमान जयंती महोत्सव के शांतिपूर्ण मनाए जाने को लेकर आज थाना परिसर में बैठक सीओ दीपक खंडेलवाल की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में हनुमान जयंती महोत्सव कमेटी के अध्यक्ष कालीचरण मुदगल, अशोक पाराशर, पातिराम मुदगल, अनूप गुप्ता, रविन्द्र सिंह, एडवोकेट विष्णु वैष्णव, पुलिस मित्र एसआई मान सिंह, एएसआई राम सिंह, एएसआई दीनदयाल, अन्य समस्त पुलिस स्टाफ मौजूद रहा। सीईओ के द्वारा हनुमान जयंती के अंदर डीजे पर सख्त पाबंदी लगाई बताई गई। हनुमान जयंती महोत्सव कमेटी के द्वारा पूर्ण आश्वासन दिया गया कि शांतिपूर्वक हनुमान जयंती प्रतिवर्ष की भांति निकाली जाएगी, जिसमें 30 झांकियां एवं 4 बैंड आदि मौजूद रहेंगे। हनुमान जयंती सुबह करीब 11 बजे शुरू होकर शाम को 7 बजे के करीब समापन हो जाएगा, लेकिन हनुमान जयंती का डोला पूर्व की तरह रात्रि भर घूमता हुआ महते की हनुमान मंदिर पर ही पहुंचेगा, जहां समापन किया जाएगा तथा मेन बाजार राम खिलाड़ी चौराहे पर मंच बनाया जाएगा, जहां पर हनुमान जयंती महोत्सव कमेटी के द्वारा अच्छे कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित भी किया जाएगा। राजाखेड़ा से बुद्धि सिंह उदनिया की रिपोर्ट। पांचवी और आठवीं की परीक्षा का बदला समय, जयपुर की प्रमुख खबर। प्रदेश के स्कूलों की पांचवी और आठवीं बोर्ड की परीक्षा का समय शिक्षा विभाग ने बदल दिया है। अब पांचवी बोर्ड की परीक्षा का समय सुबह 7:30 से 10 बजे तक होगा, तो वहीं आठवीं बोर्ड की परीक्षा का समय सुबह 10:30 से 1 बजे तक होगा। प्रदेश में 16 अप्रैल से आठवीं बोर्ड और 19 अप्रैल से पांचवी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होंगी। भीषण गर्मी में बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर अभिभावकों और शिक्षकों ने चिंता जाहिर की थी। वहीं अभिभावकों ने समय बदलने की मांग को लेकर शिक्षा मंत्री से मुलाकात भी की थी, जिसके बाद आज समय बदल दिया गया। पहले परीक्षाओं का समय दोपहर 2 से 4 का रखा गया था, अब बदल गया है। जयपुर से वीवीएन ब्यूरो रिपोर्ट। समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अंबेडकर जयंती महोत्सव को किया संबोधित, नई दिल्ली से खास खबर। समता सैनिक दल के तत्वाधान में निर्मित डॉक्टर अंबेडकर पार्क कड़कड़ूमा पूर्वी दिल्ली में समता सैनिक दल बाबा साहब का जन्म जयंती समारोह धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष उमेद सिंह गौतम एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मैडम नीरा रानी गौतम, दिल्ली प्रदेश के कमांडर अशोक कुमार, ऋषि पाल एवं महिला कमांडर हेमा उपस्थित रहे। जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए दल के राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष उमेद सिंह गौतम ने संबोधित किया। नई दिल्ली से वीवीएन ब्यूरो रिपोर्ट। अवैध हथियार के साथ युवक गिरफ्तार, धौलपुर की प्रमुख खबर। जिला पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बचन सिंह मीणा एवं डिप्टी एसपी प्रवीण महला के निकटतम सुपरविजन में अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत गत दिवस देर रात्रि मुखबिर की सूचना पर कोतवाली धौलपुर के थाना प्रभारी अध्यात्म गौतम ने मुखबिर की सूचना पर किशन पुत्र विशंभर गुर्जर निवासी बिछिया थाना कोतवाली को तगावली फाटक के पास धौलपुर से गिरफ्तार किया जाकर उसके कब्जे से एक अवैध देसी कट्टा 315 बोर को जब्त किया, जिसके संबंध में थाना कोतवाली में आर्म्स एक्ट में कार्रवाई की जा रही है। युवक को गिरफ्तार करने वाली टीम में अध्यात्म गौतम थानाधिकारी थाना कोतवाली के साथ दिलीप सिंह एएसआई, हंसराम, राम स्वरूप,
शैलेंद्र सिंह कांस्टेबल शामिल रहे। भागवत कथा के भंडारे में श्रद्धालुओं ने ग्रहण की प्रसादी। बसेड़ी की प्रमुख खबर। उपखंड क्षेत्र के ईंधौन गांव के हिरामन स्कूल में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के समापन पर भंडारे का हुआ आयोजन। भंडारे के आयोजन से पूर्व हवन में पूर्णाहुति दी गई। इस दौरान कथावाचक ने कहा कि कलयुग के दौरान किसी भी यज्ञ में श्रम दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, जिसके कारण हमारे पाप क्षीण होते हैं। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को यज्ञ में भाग लेना चाहिए। भंडारे में साधु संत व ब्राह्मणों सहित हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की तथा श्रीमद् भागवत कथा के परिचित शिव सिंह शर्मा ने सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान वेद प्रकाश शर्मा, अवधेश, जेपी शर्मा, प्रदीप शर्मा, प्रमोद शर्मा, राहुल, सौरव, पंकज, छोटू आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। डॉक्टर अंबेडकर की 131वीं जयंती पर धूमधाम से निकाली गई शोभा यात्रा। बड़ी की प्रमुख खबर। भारत का संविधान के निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर कस्बा में विशाल भव्य शोभा यात्रा बैंड बाजों के साथ निकाली गई। शोभा यात्रा में बाबा साहब के अनेक चरित्रों को प्रस्तुत किया गया था। कस्बा के मुख्य बाजारों से गुजरने वाली शोभा यात्रा का जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा एवं ठंडा शीतल जल पिलाकर जोरदार अभिनंदन स्वागत किया। महाराणा प्रताप स्टेडियम नगरपालिका फील्ड से प्रारंभ हुई शोभा यात्रा संपूर्ण बाजार में होकर सायंकाल पुनः महाराणा प्रताप स्टेडियम पहुंचेगी, जहां भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में विचार गोष्ठी का आयोजन होगा, जिसमें क्षेत्रीय विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा मुख्य अतिथि रहेंगे एवं अन्य बुद्धिजीवी गणमान्य लोग वहां आमंत्रित किया गया है। नया मास बसेड़ी में भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर की 131वीं जयंती मनाई गई। बसेड़ी की प्रमुख खबर। कस्बा में आज अंबेडकर जयंती मनाई गई, जिसकी अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष रामजीलाल कौशल ने की, जिसके मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त एसडीएम विजेंद्र सिंह रहे। जयंती समारोह में कई वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त एसडीएम विजेंद्र सिंह ने कहा कि बाबा साहब के विचारों पर हम सभी को चलना चाहिए। समिति के अध्यक्ष रामजीलाल कौशल ने कहा कि बाबा साहब उन परिस्थितियों में पढ़े लिखे देश का संविधान रचा ऐसे महान व्यक्तित्व को नमन करता हूं। समिति के महासचिव राजू जोनवाल ने कहा, बाबा साहब ने हमें तीन मंत्र दिए कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। इन तीन विचारों को हम मानकर चलेंगे तो हम कभी पीछे नहीं रहेंगे और सर्व समाज को साथ लेकर चलेंगे, सर्व समाज से मिलकर रहेंगे। इस मौके पर उपाध्यक्ष रोशन लाल, नेताजी छितरिया लाल, तेजिंदर चंद्रपाल, पूर्व प्रधान बद्री प्रसाद छोटे लाल, पूर्व सरपंच बनवारी, पूर्व अध्यक्ष बाबूलाल टेलर, पूरन सिंह, रामचरण जी, हजारीलाल, बंसीवाल सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। बसेड़ी से निशांत पारासर की रिपोर्ट। गर्मियों में पक्षियों के लिए दाने पानी का प्रबंधन करना पुनीत का कार्य। राजेश शर्मा, धौलपुर की प्रमुख खबर। राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ ने पक्षियों के लिए परिंडे लगाने का अभियान शुरू कर दिया है। आग उगलती गर्मी में पक्षियों को बचाने की मुहिम के तहत संघ की ओर से परिंडे लगाने के अभियान का शुभारंभ गुरुवार को संघ के जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा ने परिंडों में ताजा पानी डालकर एवं दाना डालकर किया। इस दौरान संघ के पदाधिकारियों ने पंचायत समिति परिसर में एक दर्जन के करीब पेड़ों पर पक्षियों के लिए परिंडे लगाकर दाने पानी की व्यवस्था करने का संकल्प लिया। इस दौरान संघ के जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा ने कहा कि गर्मी के मौसम में पक्षियों के लिए दाने पानी का जतन करना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। संघ के सभा अध्यक्ष हरीश सिंह गुर्जर ने कहा कि जीव जंतु हमारी राष्ट्रीय धरोहर हैं, इनके जीवन की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा ने कहा कि संघ के पदाधिकारी शिक्षा में नवाचार, शिक्षक हितों की पैरवी के साथ सामाजिक सरोकार में भी अग्रणी भूमिका निभाते आ रहे हैं। इस दौरान अलिंद चौहान, अवधेश सारस्वत, मयंक पचौरी, राजीव सिसोदिया, रईस फारूकी, भरत सिंह, हरिओम शर्मा, रविंद्र वर्मा, पवन मित्तल सहित अनेक लोगों ने सामाजिक सरोकार से जुड़े इस अभियान में अपनी भागीदारी निभाई। आम आदमी पार्टी ने मनाई अंबेडकर जयंती। धौलपुर की प्रमुख खबर। आम आदमी पार्टी के फाउंडर, मेंबर, सक्रिय सदस्य और कार्यकर्ताओं ने पटपरा स्थित
पार्टी सिटी कार्यालय पर बाबा साहब अंबेडकर जयंती मनाई गई। इस उपलक्ष्य में एडवोकेट ओपी त्यागी द्वारा बाबा साहब अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। पार्टी के फाउंडर मेंबर एडवोकेट पूजा शर्मा द्वारा अंबेडकर जी के जीवन एवं उनके आदर्शों पर प्रकाश डाला। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी के छुटला परमार द्वारा पार्टी के सदस्यों को बाबा साहब के बताए गए रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी। इसी क्रम में पार्टी के मीडिया प्रभारी पंकज शर्मा, अब्दुल साजिद, फखरुद्दीन खान, मिर्जा राज बेग, ओम त्रिवेदी, शाबिर खान, सद्दाम खान, सोमवीर तोमर, नरेश शर्मा सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अंत में माइनॉरिटी विंग के सदस्य कुलवंत सिंह संधू द्वारा पधारे गए सदस्यों का धन्यवाद किया। मंच का संचालन मुबीन अहमद फारूकी द्वारा किया गया। धौलपुर से नरेश शर्मा की रिपोर्ट। बाबा साहब की जयंती को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने, वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इनकी कहना चाहिए जो भी वृत्तांत है उसको झांकी के रूप में पूरे एक महीने चलाने का प्रयास किया है। आज तक किसी भी पार्टी या किसी भी नेता ने बाबा साहब को के योगदान को इतने अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास नहीं किया जो अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी ने किया है। पंजाब में जहाँ की अभी आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, वहाँ पर उन्होंने प्राथमिकता के आधार पर ये कहा है कि हर सरकारी कार्यालय में बाबा साहब की तस्वीर को लगाया जाएगा और उनके सिद्धांतों को माना जाएगा, क्योंकि बाबा साहब का जो योगदान है संविधान निर्माण में उसको ये देश भूल नहीं सकता है, जिसमें कि उन्होंने हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए इस संविधान का निर्माण किया है। और इसी प्राथमिकता को आम आदमी पार्टी हर जगह अपनी सरकार में फैलाने का और उन्हीं के सिद्धांतों पर चलने का प्रयास कर रही है। सम्मानित पूजा जी, प्यारे प्यारे बच्चों, आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी उस बाबा साहब का 131वां जन्म दिवस है। उनका जन्म महू मिलिट्री की छावनी में हुआ था, जो इस समय मध्य प्रदेश में है। उस समय ब्रिटिश इंडिया के अंदर, मध्य देश के अंदर था। उनके पिताजी सैन्य सेवा में थे, फिर वो सूबेदार के पद से रिटायर्ड हुए। इनका जन्म 1891 में हुआ 14 अप्रैल के दिन। उनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई। 63 वर्ष की अवस्था थी उनकी, ठीक है। और वो एक गरीब घर में जन्म लिया था। महार जाति के लोग थे, जो आज का महाराष्ट्र है उसमें वो जन्म लिया था। उस समय छुआछूत अपनी चरम सीमा पर थी। जाति और धर्म के नाम पर पानी पिलाया जाता था, जाति धर्म के नाम पर कुएं के घाट पर चढ़ने नहीं देते थे।